दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आपको एक गिव अवे के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है 5000 रुपीज़ का फ्री गिव अवे रखा है। अब वो गिव अवे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो और कैसे आप जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले आपको इस वीडियो को जो है ना लाइक कर देना है। सेकेंड काम आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो 50 मेंबर सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें ही ये गिव अवे मिलने वाला है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में आपके पास दो ऑप्शन होने वाले। सबसे पहले गाजी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर इनका जो है नंबर 7 नंबर 8 पे रहता है, दोनों में से किसी भी नंबर पे आ सकता है। वहीं जाफ्ता के बारे में अगर हम बात करें, सेम ये भी आपको नंबर 7-8 पे बैटिंग करते हुए नजर आने वाली है। अब दोनों में से हमें किसे लेना है, जिसकी टीम पहले बैटिंग करे आप उसको अपनी टीम में रखिए, क्योंकि अगर यहाँ से जिसकी टीम पहले बैटिंग करती है उसके विकेट कीपर के बैटिंग आने के चांस ज़्यादा होने वाले हैं एज़ कम्पेयर करें तो सेकेंड इनिंग्स के विकेट कीपर से। तो फिलहाल तो मैं गाजी को अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। अगर साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो मैं जाफ्ता को अपनी टीम में लेके चल चलूँगा। बैटिंग में सूजी बैट्स का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों इस मैच में ओपन करते हुए नजर आएगी, वनडे फॉर्मेट की सबसे अच्छी प्लेयर है, हालांकि रीसेंट फॉर्म थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवा लेती है। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में हम बात करें, 70+ रन इन्होंने करे, लेकिन प्लेयर अच्छी है। लॉरा वॉलवर्ड काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है, हमेशा आपको 10 में से 8 मैचेस में रन करके देती ही देती है। दोस्तों लास्ट मैच में 124 रन का इन्होंने जो है शतक लगाया, दोस्तों उससे पहले 50 रन करे, उससे पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, आप इनको जरूर रखिए। सुनेलूस का अगर हम बात करें, सुनेलूस के बारे में दोस्तों, नंबर 4 आपको बैटिंग करते हुए नजर आएगी, लास्ट मिनट में 53 रन करे, फिर 9 रन करे, 10 रन इन्होंने करे, फिर 10 करे, उससे पहले एक शतक इन्होंने लगाया था, परफॉर्मेंस देखोगे एवरेज रही दोस्तों। मैडी ग्रीन के बारे में अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में, किस नंबर पर बैटिंग करते हुए आपको नजर आएगी, नंबर 4 खेलेगी दोस्तों, लास्ट मिनट में 43 रन करे, फिर 5 रन करे, 63 रन इन्होंने करे, 39 रन इन्होंने करे, 64, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर लेके चल सकते हो। गुडेल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में, तो नंबर 3 आपको खेलते हुए नजर आएगी, लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखें रीसेंट के 5 वनडे मैचेस के बारे में, 60+ रन कर पाइए, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका डाउन रहा है दोस्तों। बाकी यहाँ से प्लिम्बर का ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 आपको नजर आएगा, रीसेंट परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास रही नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी ब्रिट्स का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, परफॉर्मेंस देखे, ओपन करेगी लास्ट मिनट में 17 रन करे, फिर 4 रन इन्होंने करे, फिर 32 रन करे, 45 रन इन्होंने करे। बी हालिडी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, नंबर 6 आपको बैटिंग करते हुए नजर आने वाली है। रीसेंट के 4 मैचेस के बारे में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा रहा है, 150+ रन इन्होंने करे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वहीं अगर हम बात करें, ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवा लेती है, तो उस अकॉर्डिंग आप लेके चल सकते हो। बैटिंग में जिनको मैं लेके जा रहा हूँ, सूजी बैट हो जाएगी दोस्तों, वॉलवर्ड एक अच्छे ऑप्शन होने वाली है, और ग्रीन 3 मेरे यहाँ से बैट्समैन रहने वाले फिलहाल के लिए। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, सोफी डिवाइन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 3 आपको खेलते हुए नजर आएगी, लास्ट मिनट में 12 रन करे, उससे पहले 5 रन करे, फिर 38 रन इन्होंने करे, 22 रन करे, और अगेन 38 रन करे, लास्ट 5 मैचेस में बॉलिंग से इन्होंने 4 विकेट निकाले, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, इसलिए आप इनको लेके चल सकते हो। अमीला कैर के बारे में बात करें दोस्तों, इस मैच में ओपन करते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि लास्ट मैच में ओपन कर रही थी और 88 रन इन्होंने करे, उससे पहले 22 रन करे, फिर 6 रन करे, 17 करे, 5 रन करे, लास्ट 5 मैचेस में इन्होंने 7 विकेट भी निकाले दोस्तों।
आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन है, आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ से कैप का एक और अच्छा ऑप्शन है जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देगी, नंबर 5 बैटिंग करेगी, लास्ट मिनट में 45 रन करे और एक विकेट निकाला, उससे पहले 27 करे फिर एक विकेट निकाला। परफॉर्मेंस इनका रिसेंट का अच्छा रहा है। एंडी किलार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग ये भी आपको करके देने वाली है। बैटिंग ऑर्डर के बारे में हम बात करें तो बैटिंग ऑर्डर इनका आपको नंबर 6 नंबर 7 पे नज़र आ सकता है, बट इनकी बॉलिंग जो है ज़्यादा अच्छी है बैटिंग से। रीसेंट के अगर 5 मैचेस के बारे में बात करें तो सभी में इन्होंने विकेट निकाले हो, तकरीबन 13 विकेट निकाले आप देख सकते हो। और वहीं लास्ट 5 में से 4 मैचेस में बैटिंग आई है जिसमें अगर आप देखोगे 150 प्लस का स्कोर भी इन्होंने टोटल करा है। सी ट्रायन एक और आपके पास अच्छी ऑप्शन होने वाली है जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में ले सकते हो, हालांकि इनकी ओवर कट जाते हैं। रीसेंट 5 मैचेस में 2 विकेट निकाले, यदि साउथ अफ्रीका वो इन पहले बैटिंग करती है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप करके चल सकते हो। फिलहाल मैं डिवाइन को रख रहा हूँ, केयर, कैप और एंडी क्लार्क 4 मेरे यहाँ से जो है ऑलराउंडर रहने वाले। बॉलिंग के बारे में हम बात करें, केयर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है कि आपको रखना है या फिर नहीं रखना। लास्ट मिनट में 0 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में हम बात करें 6 विकेट इन्होंने निकाले। बाकी खाका का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जिनको आप ग्राइंडिंग में अपनी टीम में लेके चल सकते हो दोस्तों। लास्ट मिनट में 1 विकेट इन्होंने निकाला, रीसेंट के 5 मैचेस में 6 विकेट निकाले, ग्राइंडिंग में तो रखना है और स्मॉल लीग में भी रख सकते हो, खासकर साउथ अफ्रीका वुमेन पहले बॉलिंग करती है तो। एलताऊ का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ओपन डेथ में आपको बॉलिंग करवाते हुए इस मैच में नजर आ सकती है। लास्ट मिनट में 2 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करें 7 विकेट इन्होंने निकाले टोटल। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, एम क्लास का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लास्ट मैच के बारे में हम बात करें दोस्तों, क्लास के बारे में 2 विकेट इन्होंने निकाले और रीसेंट के 5 मैचेस में अभी तक 8 विकेट इन्होंने टोटल निकाले। बाकी हना रॉ का आपके पास एक और ऑप्शन होने वाला है, चाहो तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हो। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ओवर इनके कर सकते हैं, रीसेंट के 5 मैचेस में अभी तक 4 विकेट निकाले, बट ये बैटिंग करके दे सकती है, ठीक है, बैटिंग से ये रन करके दे सकती है। हालांकि बैटिंग ऑर्डर जो है नंबर 7-8 पे ही रहता है, पहले बैटिंग करें न्यूजीलैंड वुमेन तो ज़रूर रख सकते हो। एन मलवा सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो सकती है, तो उस केस में ज़रूर आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं किस टाइप का रहा है और किस टाइप का नहीं रहा, लास्ट मिनट में 3 विकेट निकाले, उससे पहले रीसेंट के 5 वनडे मैचेस के बारे में बात करें 8 विकेट इन्होंने टोटल निकाले। बाकी ई कार्सन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, लास्ट मिनट में 0 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने निकाले। फिलहाल अगर हम बात करें बॉलिंग में, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होने वाले हैं जिनको आप लेके चल सकते हो, खाका एक अच्छी ऑप्शन होने वाली मेरे अकॉर्डिंग, टाऊ होने वाली और क्लास को आप रख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों, इस मैच में कैप्टन मेरी अमीला कैर रहेगी, वाइस कैप्टन कैर रहेगी, चाहो तो आप एंडी क्लार्क को भी कर सकते हो। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले MyFAB11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप MyFAB11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो MyFAB11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो बस MyFAB11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव जरूर रहिएगा।